आप ये ज़हन में रखें, कभी आप ही मिनोरिटी थे, मुतहिदा हिंद में आप ही थे, जो हिंदुओं ने असर किया ना इस मेजोरिटी का, हम जानते हैं इतनी बड़ी शर्मिंदगी क्या थी कि वे अपने चूल्हे पे नहीं चढ़ने देते थे। अगर अल्लाह ने मुल्क दे दिया ना तो इज्जत से रखे मुल्क। हमारा सब क्या है? आपका पहले हमारा हमारा कहाँ है? फायर मार मार के उल्टा कर देते हैं आप सबने इसको। हमारा गालियां निकाल रहे थे क्रिस्टन को, निकलो बाहर तो दसने असी। और अगर हमारा मुकदमा दर्ज ना हुआ और खसा भी खड़े हैं, रुचा भी है और दीगर वकला भी यहाँ पर मौजूद है, अगर इन लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और मजलूम लोगों को इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा, हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और अगर हमें एहतजाज करना पड़ा तो हम उससे भी गुरेज पूरी बस्ती में फायरिंग, सारी बस्ती घरों को चला देते हैं, घरों में फायरिंग कर रहे हैं। मैं काम कर रही थी घर में, सेन में हमारा दरवाज़ा बंद था, फायरिंग हुई है हमारे कमरे में आई है। मैं प्रेग्नेंट थी, अगर मुझे कुछ हो जाता या मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार? मैं कहते हैं कि क्यों यहाँ बातें की जाती है, हम लोग त्रास करते हैं आप लोगों का, हम नहीं करते, हम इतराज करते हैं, हम इतराज करते हैं आप लोगों का, हमें क्यों लोगों को जलील किया जाता है? हमें इंसाफ चाहिए, जलील किया जाता है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने वाले ये हैं वो अकलीती कौम के मसीही, जिन पर इनके वतन की जमीन उन्हीं पर तंग की जा रही है। शिद्दत पसंदों की तरफ से मसीहीबादी शेराकोट में वाद करने पर शिद्दत पसंद ग्रुप ने चर्च से होते हुए मसीहियों के घरों पर सीधी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में मतदद मसीही खवातीन एक मर्द समेत कमसन बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जबकि जख्मी खवातीन में एक हामला खतून भी शामिल है। हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हम पूरी गली पे पूरे मोहल्ले पे उन्होंने हमला किया है और वह कसूरवार है उस पूरे मोहल्ले का। हम लोग शमशाबाद से ताल्लुक रखते हैं और बच्चे भी बड़ी मुश्किल से बचाए गए हैं। बच्चों पे खवातीन पे मर्द हजरात घर नहीं थे, सिर्फ खवातीन थी। दोपहर का टाइम था, मर्द हजरात अपने जॉब्स पे थे। 7-8 लोगों को गोलियां लगी हैं और बच्चा भी एक जख्मी है और उनमें एक खवातीन हमला भी थी। वो हर दरवाजे के उत्ते फायरिंग कर रहे, चर्च तो शुरू होए ने, उन्होंने तकरीबन अगे पूरे जिन्हें क्रिस्टना के घर उन्होंने पूरे घर से फायरिंग की है। लेडीज अंदर कोई कपड़े वॉश कर रही है, कोई अपना काम कर रही है, कदा पापा पानी लैके वो प्रेगनेंट से ठीक है, उन्हें भी लाते के उत्ते गोली लगी है। एक बहू है, दूसरी बहू है, उनके पेट के दो फायर होए ने, एक बेटी दे होया, भाई होया, छोटा बेटा है तकरीबन 7-8 साल दा, उन्हां दे पैर ते उन्होंने पूरे महल्ले ते फायरिंग कीती हैगी है, हर एक दे बूहे दे अगे फायरिंग कीती हैगी है। जेड़ा भी बच्चा या बुढ़ी या जेड़ा भी आंदा सी उन्हूं गोली मार देंदे सी, 4-5 कुड़ियां नूं गोली वज्जी है, नाल मैनूं 2 लत्तां ते वज्जी है। सानूं उत्थे खतरा हैगा वे, साडी जान दी सेफ्टी करो। मतासरा अकलीती मसीहियों का कहना है कि हमें शिद्दत पसंदों से सख्त खतरा है, हमें तहफ़ दिया जाए। हमारा मुतालबा यही है कि हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे लोगों को इंसाफ दिया जाए। हम ठीक तरह से इबादत नहीं कर सकते, अगर कोई इबादत का माहौल होता है तो उसमें आकर डिस्टर्बेंस की जाती है, आकर वहाँ पर हमले किए जाते हैं। अभी ये कल की बात है, ये है खान कलोनी एक इलाका है, वहाँ पर भी मैं इबादत कर चुका हूँ, वहाँ पर भी कुछ पठानों ने तकरीबन 200-250 पठानों ने चर्च में मौजूदा इबादत में पटाखे फेंक कर लड़ाई की और वहाँ पर लोगों को मारा। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तकरीबन आधा घंटा इन्होंने फायरिंग की, तकरीबन 400-500 गोली इन्होंने चलाई, वो भी सीधा दहशतगर्दी के तरीका से। वहीं पर मुतासरीन पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना करने पर शदीद गमो गुस्से में दिखाई दिए। आप सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके मुताबिक आपकी पुलिस वहां मौजूद होनी चाहिए थी। कौन था बंदा, नाम बताइए। कोई सिक्योरिटी वहां नहीं थी, कोई बंदा इन्होंने डिप्यूट नहीं किया था और कोई बंदा वहां अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा था। इन्होंने मौका फराहम किया है जनाब ने।
आप ये ज़हन में रखें, कभी आप ही मिनोरिटी थे, मुतहिदा हिंद में आप ही थे। जो हिंदुओं ने अशर किया ना इस मेजोरिटी का, हम जानते हैं इतनी बड़ी शर्मिंदगी क्या थी कि वे अपने चूल्हे पे नहीं चढ़ने देते थे। अगर अल्लाह ने मुल्क दे दिया ना तो इज्जत से रखे मुल्क। हमारा सब है, आपका पहले हमारा हमारा कहाँ है? फायर मार मार के उल्टा कर देते हैं आप सब ने। ये हमारा है। मसीह कौम की बादियां या चर्चों पर हमले ये पहली बार नहीं हुआ। 7 सितंबर दुआ की बाद के दौरान लाहौर ही में नसीराबाद के एक चर्च पर मुस्लिम शिद्दत पसंदों की तरफ से एक हमला हो चुका है, जबकि इसी के अगले दिन इसी तरह का अफसोसनाक वाकया इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। वहीं पर पाकिस्तानी अकलीतों पर होने वाले हमले मौजूदा हुकूमत पर भी एक बदनुमा दाग हैं, जो अकलीतियों को अदम तहफ़ का एहसास करवा रहे हैं।